बैक टू यूट्यूब चैनल प्रतिक्रिया। मैं हूँ हर्षिता और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया रिएक्शन वीडियो। तो आज का जो हमारा वीडियो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ट्रेलर पर रिएक्शन वीडियो है, क्योंकि मुझे ट्रेलर अच्छा लगा है। ये फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का ट्रेलर, ऑफिशियल ट्रेलर 2 है। जो ट्रेलर था वो बहुत ही अच्छा था, क्लाइमैक्स था, एक्शन था, कार्स थी, बहुत ही अच्छा था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आज का जो वीडियो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस पे, जैसे मैंने कहा, और ये जो ट्रेलर है ये 16 आवर्स पहले आया है, जिस पर 10 लाख व्यूज आ चुके हैं। कुछ लोगों ने इस ट्रेलर को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया, ऐसा नहीं है, बट कुछ लोग जैसे बॉलीवुड के बारे में, फिजिक्स के बारे में बात करते हैं वैसे बात कर रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। सब ही सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला है, कुछ कुछ डिफरेंट कमेंट्स भी आए, मतलब हेट जैसे नहीं बट अलग कमेंट्स आए हैं, और लोगों को पसंद आ रहा है ये। अभी तक तो जहाँ तक लग रहा है कि आ रहा है, तो देखते हैं लोगों को कैसे किस तरीके से ये अच्छा लगा। फर्स्ट कमेंट ये है कि बॉलीवुड वी हेट फिजिक्स, फास्ट एंड फ्यूरियस व्हाट्स दैट। ये सही बात है एक्चुअली, बट सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। किसी को ये वाले फिल्म्स पसंद आते हैं जिसमें फिजिक्स नहीं होता, किसी को नहीं पसंद आते। अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है, हाँ आप बता रहे हो तो अच्छी बात है कि आप बताना चाहते हैं आपको क्या पसंद आए क्या नहीं, बट हेटरेट मत फैलाओ। ये इस कमेंट में हेटरेट नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के बारे में भी बहुत ज़्यादा हेटरेट फैलता है जब भी ऐसे कुछ मूवीज़ आते हैं, बट इट्स फाइन। किसी को देखने को बहुत ज़्यादा पसंद होता है ये सब, और किसी को नहीं पसंद आता है, बट अपनी अपनी चॉइसेस होती है, अपने अपना प्यार होता है उनका मूवीज़ के तरफ। और मूवीज़ एंटरटेनमेंट पर्पस है, हमें एंटरटेन करने के लिए बनाया गया है, उसे एंटरटेनमेंट जैसा ही लेना चाहिए। ज़्यादा अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे, और इतने ज़्यादा सवाल होंगे, इतने ज़्यादा सवाल होंगे कि आपको उसका आंसर तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या बात कर रहे हो। उनको बस उनसे है कि नहीं हमारी मूवीज़ है, और फास्ट एंड फ्यूरियस के इतने सारे पार्ट्स हैं, मतलब लोग उसको प्यार दे रहे हैं, इसलिए वो एक के बाद एक पार्ट्स ला रहे हैं। अगर लोग प्यार नहीं देते तो वो 2-3 पार्ट्स में ही रुक जाते। सो हेट्रेड मीन्स ऐसा मत कहो कि दिस इज़ अनअप्रोप्रिएट, या फिर ये अच्छा नहीं है, या फिर इसमें कुछ फिजिक्स ही नहीं है। ठीक है, इट्स फाइन, अपनी अपनी चॉइसेस है। पसंद ना आए तो 10 बार देखो, नहीं पसंद ना आए तो वापस मत देखना। बस इतना ही कहूँगी इस कमेंट के बारे में। नेक्स्ट कमेंट इज, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द फिल्म, बट आई विल लाइक टू से थैंक यू टू द लीजेंड पॉल वॉकर फॉर मेकिंग माई चाइल्डहुड ऑसम, दीप पॉल वॉकर। इन्होंने कहा कि ट्रेलर एंड ऑल सब अच्छा है, सब ट्रेलर के बारे में ही बात कर रहे हैं, सब मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लीजेंड पॉल वॉकर है, जो अभी हमारे साथ नहीं है, वो उन्होंने मेरा जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया, ऑसम किया है। सो वो थैंक यू कह रहे हैं, एंड रेस्ट इन पीस पॉल वॉकर, ऐसा उन्होंने लास्ट को मैसेज डाला है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो देखते हैं, दिस वॉज द ट्रेलर, आई फील लाइक आई वॉच द होल मूवी। हाँ, ये एक्चुअली मुझे भी लगा, पर्सनली मुझे लगा सच्ची में, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत मज़ा आया कि ट्रेलर वाह ऐसा लग रहा था, एंड देन थोड़ा टाइम बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि बस यार अब ख़त्म करो, ट्रेलर ही है, मूवी हम देखने को आएंगे, बट बस हो गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं देख सकती, बस बस बस। बहुत 4 ही मिनट का था ट्रेलर, बट बहुत ज़्यादा लंबा था, मुझे भी लगा। वैसे ही इन्होंने कमेंट भी किया है कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने पूरी मूवी देख ली है। मूवी इतनी 4 मिनट की नहीं होती। नेक्स्ट कमेंट है, अर्लियर फास्ट एंड फ्यूरियस इज ऑल अबाउट कार्स, नाउ इट्स ऑल अबाउट एक्शन विथ लेस कार्स। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा, कार्स भी कार्स का भी है इसमें, ट्रेलर में जितना देख के लगा तो कार्स भी है, एक्शन भी है, सब है। शायद वो इम्प्रूव कर रहे हैं कि लोगों को क्या पसंद आएगा, एक्शन ज़्यादा पसंद आएगा तो एक्शन दिखाएंगे, कार्स ज़्यादा पसंद आएंगे तो कार्स दिखाएंगे, ऐसा वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं।
और वो दिखा रहे हैं हमें अलग अलग हमेशा। बस अगर पार्ट वन से लेकर अभी नाइन तक अगर सिर्फ कार 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 ही दिखाएंगे तो लोग बोर हो जाएंगे ना। कुछ नया चाहिए, लाइक पब्लिक नीड्स समथिंग न्यू इन एवरीथिंग, क्योंकि नया अगर नहीं आ रहा है तो देखने में मज़ा नहीं आता। हम भी जब सीरीज देखते हैं कोई, तो हमको हर न्यू एपिसोड में कुछ नया चाहिए होता है, कुछ अलग चाहिए होता है। वैसे ये ट्राई करें कि इनके हर एक फास्ट एंड फ्यूरियस के पार्ट्स में कुछ नया दिखे, कुछ अलग दिखे, ताकि हमको वो पसंद आए। बस यही उनका वो चाहते हैं। द नेक्स्ट कमेंट इज फाइनली वी कैन सी जॉन सेना। ये जस्ट एक फनी वे में उन्होंने कमेंट किया है। नेक्स्ट कमेंट है आई स्टार्टेड वॉचिंग फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज व्हेन आई वॉज अ किड, नाउ आई एम अ 31 ईयर ओल्ड एंड वाइन डीजल लुक्स द सेम। जो ये है वाइन डीजल है, वो लगता नहीं है कि उनके एज में कुछ भी डिफरेंस आया है। लाइक इन्होंने कहा है कि जब मैं फास्ट एंड फ्यूरियस देखना स्टार्ट किया था तब मैं एक छोटा बच्चा था, किड था, एंड अभी मैं 31 ईयर्स का हो चुका हूँ और फिर भी अभी भी वो सेम ही दिखती है। ये सच है एक्चुअली, लगता है कि मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया है इतने ज़्यादा सालों में। तो यही था मेरा रिएक्शन इस वीडियो के लिए। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर से मिलूंगी आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।